ताजमहल की पहली झलक। और यहाँ पे सभी जगह से क्या व्यू आ रहा है यार, सेंटर आगे से। इसको बाहर फेंक देंगे। शट अप, मेरी मम्मी रो रही है। तो स्टेशन को रात को 1 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम लोग हैं आगरा में एंड यहाँ पे चल रही है अभी होली। एंड आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज रात को मम्मी पापा आ रहे हैं, बैठ गए ट्रेन में, रात को 12 बजे जाएंगे और उनको लेने जाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा, आकाश ने भी कभी नहीं देखा। तो लेट्स गो। तो हम लोग पार्किंग पे आ गए। यहाँ से ताजमहल कुछ 1 किलोमीटर दूर है। वो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, वो है क्या? शतक दिख रहा वही है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर हमको जाना पड़ेगा, गाड़ी काफी दूर रखनी है। यहाँ पे टिकट लेनी है भाई, यहाँ पे तो चल के जाना है। 1 किलोमीटर नहीं, गाड़ियाँ भी जाती थी 20-20 रुपए में, पर ये मुझे नहीं बिठा के लेके आए, मुझे लगा पास ही होगा। तभी चल रहे धूप में, बहुत सारे चल रहे हैं हमारे साथ, कोई पैसे नहीं बर्बाद कर रहा है। नजदीक ही होगा, हम थोड़ा ही चल रहे अभी। गवर्नमेंट की गाड़ियाँ ही चलती है 20-20 रुपए में, लेकिन भाई 1 किलोमीटर के लिए कौन 20 रुपए में, ज्यादा होगा। होली के दिन भी इतनी भीड़ है यहाँ पे। गाइस, आपको यहाँ पे ऑनलाइन टिकट ही करनी है, ऐसे कुछ प्रोसेस होती है। 50 रुपए चार्ज है ताजमहल, अंदर आप कवर में नहीं जा सकते ना उसमें, इसके 250 रुपए। इजी प्रोसेस थी, 2 मिनट में हमें ऑनलाइन टिकट मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी यहाँ पे लंबी लाइन है। कितना बड़ा गेट है, इसके अंदर से जाना। ताजमहल से ऊंचा तो गेट है। रहा देखो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आज है ताजमहल की पहली झलक। वाओ, यहाँ पे फोटोशूट के लिए लाइन लगी है पूरी, ये व्यू से लेने के लिए ऐसे पूरा दिखता है ना, इसलिए यहाँ से मस्त व्यू है। तो सब यहाँ से फोटो क्लिक कर रहे हैं सामने से। टिकट है 1 50 रुपए वाली जिसमें आप बाहर बाहर से देख सकते हो, और 1 250 वाली जिसमें आप पूरा अंदर जाके म्यूजियम वगैरह सब देख सकते हो। म्यूजियम में कवर है उनकी, बाकी म्यूजियम के अंदर कवर है, सो हम लोग ने वो नहीं ली, हम लोग से 50 रुपए वाली टिकट लेके आए। एकदम व्हाइट कलर नहीं है ना, एकदम व्हाइट, ऑफ व्हाइट है, थोड़ा ऑफ व्हाइट, देखो एकदम व्हाइट नहीं है, थोड़ा ऑफ व्हाइट जैसा। इधर ताजमहल है, इधर रिवर बह रही है, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। ये देखो नींद आ रही है। फ्राइडे को बंद रहता है वैसे ताजमहल। और यहाँ पे सभी जगह से क्या व्यू आ रहा है यार, यहाँ सेंटर आगे से, यहाँ सब जगह से। अभी हम लोग पूरे सेंटर में। ओके, बस घूम घूम मत करो, चलो बस बस। हाँ, हो गया, अब चलते हैं। आज हम लोग और एक बात के लिए बहुत खुश है कि आज मम्मी पापा आ रहे हैं। सब हम दोनों अकेले अकेले नहीं घूमेंगे, मम्मी पापा के साथ घूमेंगे। कल हम लोग जाएंगे अयोध्या 12 बजे, मम्मी लोग को लेने जाएंगे पहले मथुरा, उनकी ट्रेन मथुरा आज रात को 12 बजे नहीं, हाँ तो 10:30 बजे निकलेंगे। मम्मी लोग हमें बहुत मिस कर रहे थे, एंड 2-3 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि उनकी टिकट लग जाए, पर नहीं लगी। फाइनली कल लगी, हमने तत्काल में लगाई, तब जाके वो आज आ रहे हैं क्योंकि मम्मी की छुट्टियां है 6-7 दिन की, तो मस्त साथ में घूमेंगे। चल के आ तो गए, पर अब ऐसा हो रहा है कि रिक्शा पर चल जाए क्योंकि बहुत पैर दर्द कर रहे हैं हमारे। नहीं, हम लोग गाड़ी में आने वाले थे पर अच्छा होने आए, क्योंकि अभी हम तो लोग तो यहाँ पे पहुँच गए पर वो गाड़ी वहाँ पे है, क्योंकि वो पूरी नहीं भरती तब तक आते नहीं, तो हम लोग चल के आगे, पर वो अभी तक वो नहीं आई है। ये कितने क्यूट, सॉरी बंदर। एंड गाइस, पार्किंग के 150 रुपए चार्जेस है और ताजमहल देखने के 50 रुपए। मुझे कुछ पिला दो, इसको आइसक्रीम पसंद थी वो खा ली, अब मेरे को स्प्राइट पीनी है वो नहीं। दिन में 3 या 4 स्प्राइट पीती है। हम लोग आ गए हमारी गाड़ी के पास, अभी
ये हमें करना है कि ये पूरा खाली करना है ये एरिया, क्योंकि मम्मी पापा आ रहे हैं। और ये तो ये खाली करके रखेंगे कहाँ, ये भी पूरा भरा हुआ है। सो अभी जाके हमें यही करना है सबसे पहले कि ये डिपार्टमेंट पूरा खाली करना है, और इसको तो बाहर फेंक देंगे, इसको बाहर फेंक देंगे। पीछे भी सब ऊंचा ही मारना पड़ेगा, आगे से लेके पीछे सब ऊंचा ही मारने की जगह ही नहीं है। सामान बहुत है, जगह बहुत है, पर सामान भी बहुत ज्यादा है। जो बैग चाहिए ना हमें रूटीन में, वो थोड़ी आगे ही रखना, ठीक है। सब सामान शिफ्ट किया तो भी पीछे इतना बच ही गया, और पीछे एकदम सब रखा है, पता नहीं आएंगे कि नहीं। अभी मम्मी का भी एक बैग आएगा, मम्मी लोग का, लेट्स सी क्या होता है। कौन कर, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि कल हम लोग ने खाया था कुछ यहाँ पे, वो भी बहुत बेकार था। आज दोपहर को खाया, वो भी बहुत मीठा था, तो हमें कुछ खाना पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे कोई बर्गर कंपनी करके कुछ है, पहले कभी खाया नहीं है, पता नहीं क्या ब्रांड है। सो टेस्ट करते हैं, फिर जैसा होगा वैसा हमारा नसीब। सो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो हम आ गए, मैंने एड्रेस पहन के ही आई हूँ, कोई सोचेगा ये कैसी है। आकाश भी चड्डा पहन के आया, चड्डा। आई होप फूड अच्छा हो, क्योंकि बहुत भूख लगी है एंड खाने को कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है हमें। सो गाइज हमारा खाना आ गया है। गाइज यहाँ पे हर जगह पे बैठा 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 की दुकान है, तो हम लोग भी थोड़ा खाने के लिए बाय कर रहे हैं। मम्मी लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी। ये वाला है कुछ मस्त है ये वाला। आधे घंटे में मम्मी लोग आ जाएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं भरतपुर में लेने के लिए। वो लोग भी गाड़ी में बैठ के कंटाल गए, तो यहाँ से हमारा एक घंटे का रास्ता है आगरा से भरतपुर। तो हम लोग जल्दी निकल गए, कुछ 10:15 एंड 11:15 वो लोग आ जाएंगे, तो हम भी पहुँचेंगे और मम्मी लोग भी पहुँचेंगे, ऐसा होगा। तो वो लोग तो पहुँच गए, पर हम लेट हो गए। अभी हमें 5 मिनट का रास्ता बता रहा है, और वो लोग 10 मिनट से पहुँच गए हैं। एंड हम लोग थे यूपी में, एंड ये जो भरतपुर है वो राजस्थान में आया है, तो हम लोग यूपी से राजस्थान आए हैं। राजस्थान से यूपी जाएंगे, एक घंटे का ही डिफरेंस है दोनों में, इसलिए। गाइस हम लोग ये पेड़ के पीछे छुप गए, अभी ईस्ट वेस्ट कहाँ पे है हम लोग पता नहीं, उन लोग भी उसमें कंफ्यूजन में है कि ईस्ट वेस्ट कहाँ निकलना है। मेरी मम्मी रो रही है। गाड़ी भी अरे पासे मुगो लागे मुगो चल ये तू बहुत ट्रैफिक है तू। गाइस मम्मी हमारे लिए घर का खाना लेके आया, ये थैली भर के, सुबह मॉर्निंग में जल्दी बनाया था। हम लोग कितने टाइम से घर का खाना नहीं खा रहे, इसलिए आकाश के फेस की खुशी देखो। तो स्टेशन को रात को 1 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं। गाइस रात को 1 बजे हम लोग ने खाना खाया है। ये डब्बा आज खाली कर दिया, एक तो आज ही फुल पेट भर के खाना खाया था, और मम्मी इतना सारा खाना नहीं खाया। गाइस हम लोग आ गए हमारे होटल पे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।